नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गार्डन किंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कड़ी पत्ता का जो प्लांट है इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों कड़ी पत्ता का प्लांट नहीं, अगर आप गार्डनिंग करते हो चाहे नहीं करते हो, पर ये तीन प्लांट आपके घर में अवश्य मिल जाएंगे दोस्तों। एक तो तुलसी का पेड़, दूसरा मनी प्लांट और एक कड़ी पत्ता। ये तीनों पेड़ दोस्तों होने भी चाहिए आपके घर में, क्योंकि ये दोस्तों मनी प्लांट और तुलसी का पेड़ पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है, तो ये पेड़ ज़रूर से लगवाइए। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कड़ी पत्ता के बारे में। तो पहले इस टॉपिक पर आज अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको पेड़ दिख रहा है मेरा वाला, ये तकरीबन 7 साल पुराना पेड़ है दोस्तों, और इसको लगाए हुए मेरे को 7 साल हो गए और ये इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। और इसमें मैं क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, कैसे इसकी कटिंग करता हूँ, तो वो सभी इस टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक अपना ये है कि ये जो प्लांट होता है ये ग्रो क्यों नहीं करता है। दोस्तों ये ग्रो करता है, पर अपन इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं उसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाता है। एक तो अपन इसकी कटिंग होती है जो मतलब ट्रोनिंग करते हैं वो टाइम पे नहीं करते हैं, और इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह जो देते हैं वो भी टाइम पे नहीं देते हैं, और एक जो इसको सनलाइट चाहिए होती है अगर वो इसको सही नहीं मिल पाती है तो फिर ये ग्रोथ नहीं करता है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि इसको तभी भी कभी भी लगाओ, आपके चाहे गमले में लगाओ या आउटडोर लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, इसको ऐसी जगह पर लगाना दोस्तों कि इसको 7 से 8 घंटे दिन में धूप मिल जाए। तो उससे क्या होता है कि ये जो मतलब पेड़ अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेता है। और दोस्तों अगर आप इसको मतलब गमले में पुट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको छोटे गमले में पुट करना है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि दोस्तों ये प्लांट नहीं है, मतलब कड़ी पत्ता के प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई सा भी प्लांट ले लीजिए आप, उसको सबसे पहले छोटे गमले में ही पुट करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको बड़े गमले में पुट करोगे तो उसमें आप पानी भी ज़्यादा डालोगे, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा डालोगे, तो उससे पेड़ की मतलब जो रूट होती है वो धीरे धीरे से गल जाती है अंदर से, वो पेड़ ख़राब हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखना है कि जितना छोटा गमला होगा ना उतना इसमें पानी कम डलेगा और फर्टिलाइज़र कम डलेगा, और सोइल भी प्रिपेयर करते हो तो वो कम होगी, तो इससे पेड़ अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो आपको सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रखना है, इसको छोटे गमले में ही पुट करना है। बाकी धीरे धीरे ये जैसे पेड़ बड़ा होता जाए वैसे आपको गमला चेंज करते रहना है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी ट्रोनिंग की बात करते हैं। तो ट्रोनिंग आपको कब करनी है, इसकी ट्रोनिंग करनी है आपको दोस्तों गर्मी के अंदर, इसकी ट्रोनिंग कर सकते हो आप। गर्मी में क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां होती है उसके मुंह के ऊपर से सूखने लगती है, तब इसकी ट्रोनिंग कर सकते हो। अगर उस टाइम पर नहीं हो पाती है दोस्तों तो आप इसकी कटिंग मतलब कि बरसात के मौसम में इसकी हाफ कटिंग कर सकते हो, तो वो वापस से ग्रोथ कर लेती है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके प्लांट को मतलब ऐसे जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो इसमें फर्टिलाइज़र आप कोई सा भी डालते हो उससे मेरे को कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों, पर मैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ और आपको जो रिजल्ट दिख रहा है पेड़ के सामने, ये मैंने केवल देसी गोबर का खाद यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई सा भी दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, पर ज़्यादा गोबर का खाद ही मैं यूज़ करता हूँ। और दोस्तों अगर आपका पेड़ अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है और उसकी जो पत्तियां होती है वो कभी कभी ऐसे मतलब कि सूखने लग जाती है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि दोस्तों उस पर मतलब कि ये कीड़ा लग चुका है और वो आपके पत्तियों को ख़राब कर रहा है। तो आपको क्या करना है, मतलब कोई सी भी आप दवाई का स्प्रे कर सकते हो, पर उससे क्या है कि पेड़ को भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि सीधी सी एक बोतल आती है, नीम ऑयल की बोतल है, वो आपको बोतल लेनी है, आपको बाज़ार में कहीं पर भी मिल जाएगी, तो वो बोतल लेकर उसका स्प्रे कर दीजिए आप इसके प्लांट के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसके पास नहीं आते, क्योंकि उससे कड़वापन होने के कारण वो कभी इसके पास नहीं आते, तो आपके पेड़ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई सा भी पेड़ हो, मतलब कि कड़ी पत्ता का ही प्लांट नहीं है, कोई सा भी पेड़ हो, अगर उसकी आप केयर टिप्स मतलब अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो वो पेड़ कभी भी ख़राब नहीं होता है। केयर टिप्स ये है कि दोस्तों इसकी एक तो कटिंग टाइम पर कर लेनी है आपको, कोई सा भी पेड़ हो अगर उसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हो तो उस भी टाइम को आपको फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेना है, और दिन में एक बार आप पानी दे रहे हो तो वो आपको टाइम फिक्स कर लेना है कि सुबह के शाम दे रहे हो या शाम को दे रहे हैं, तो कभी भी देते हो तो आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है। और अगर गर्मियों के मौसम में दोस्तों सभी पेड़ों को 2 बार पानी दे देना, एक तो सुबह के मौसम में और एक शाम के टाइम पे, तो उससे क्या होता है जो उसकी जो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सूखती नहीं है और वो गिल्ली की गिल्ली रहती है, तो उससे पेड़ अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, वो नई ब्रांचेस निकालने में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है उसकी। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि अगर आपका कड़ी पत्ता का प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो अब आपको क्या करना है। इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ का नाम है दोस्तों सरसों की खल। वो आपको मतलब अगर आपके घर पे दूध देने वाला आता है तो उससे पूछ लीजिएगा, वो बता देगा कहाँ पर मिल जाएगी। बाकी खाद बीज की दुकानों पर दोस्तों बहुत ही आसानी से मिल सकती है। तो
आपको वो लेनी है और उसकी जो मतलब छोटे छोटे से टुकड़े करके और फिर उसको पानी में डाल के और पानी में डालोगे दोस्तों वो टाइम लेगा। अगर उसमें चावल का पानी होगा दोस्तों तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो मतलब कि वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो उसके बाद में क्या करना है, इसके जो रूट होती है ना उस जगह पर आपको मतलब डाल देना है, फर्टिलाइज़र डालते हो उसी प्रकार से इसको भी डाल देना है। तो उससे क्या होगा, आपका प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, वो चैनल पे न्यू हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी भी कोई मैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके दोस्तों, और वो आप वीडियो मिस ना कर सके दोस्तों। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।